हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे। और हमने पिछले भाग में देखा था इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में किस तरीके से होता है, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है कार्बन चेन में, है ना, दो तरीके से होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के कारण। ये सारी बातें हमने की थी, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। तो आज वही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे इफेक्ट के साथ कि क्या होता है। तो उसको समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज का जो दूसरा इफेक्ट है, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट, आपका हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें कि हम इंडक्टिव इफेक्ट कर चुके थे, ठीक है। आज रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, होता क्या है? तो रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है कि जो पोलैरिटी आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ जाती है किस कारण से, जब आपका इंटरेक्शन होता है दो पाई बॉन्ड का या एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में, ठीक है ना, जो कि एडजेसेंट एटम में होते हैं, ठीक है ना, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो जो इफेक्ट है आपका पूरी चेन के अंदर हो जाता है, पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट होता है, और दो तरीके के रेजोनेंस आपके होते हैं। रेजोनेंस को हम मेसोमेर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि द पोलैरिटी द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय द इंटरेक्शन, ठीक है, ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने बात की कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट आपके पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट होता है और दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसको रेजोनेंस इफेक्ट के साथ साथ इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो जो पहला रेजोनेंस इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लस आर, ठीक है, प्लस आर भी बोल सकते हैं और प्लस एम भी बोल सकते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, ये होता है कि इसमें जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके किसी भी एटम या किसी ग्रुप से दूर की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसी एटम और ग्रुप से दूर की तरफ होता है, ठीक है ना, जो कि वो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड हो। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आपका सर्टेन पोजीशन के अंदर होता है मॉलिक्यूल की, जिसको आप हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, ये एनिलीन है, ठीक है ना, एनिलीन आपको पता है एनिलीन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 जुड़ा होता है उसे हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है ना, एनिलीन कहते हैं। तो ये है, ठीक है ना। तो हमने कहा प्लस आर इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस
किधर होता है, उस एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर की तरफ होता है, यानी इस एन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, हमने ये तो बात की थी रेजोनेंस इफेक्ट में। हमने ये बात की थी कि भाई रेजोनेंस किस कारण से होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट के कारण। ये आपके पास क्या है, NH2 है और यहाँ पे NH2 के ऊपर क्या है, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, NH2 के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर हो गया, उसके बाद N के साथ सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है और पाए, लोन सिग्मा पाए, तो क्या होगा, ये लोन पेयर इसकी तरफ आएंगे। हमने कहा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द एटम और अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो NH2 एक ग्रुप लगा है, उससे उससे दूर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। तो वो जो लोन पेयर है वो जब नीचे की तरफ आएंगे तो इस पे क्या होने लगेगी, इस पे डबल बॉन्ड, वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, इस तरीके से हम देखेंगे क्या आने लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि वो लोन पेयर उतर गए, इस वजह से NH2 के पास प्लस NH2 आ जाएगा क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। उस वजह से क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड है, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो इस वाले कार्बन की, भाई यहाँ पे इस वाले कार्बन की क्या हो गई, पांच वैलेंसी, ये जो कार्बन है यहाँ पे लगा, जो कार्बन है इसपे ऊपर डबल बॉन्ड लगेगा और एक बॉन्ड पहले से डबल बॉन्ड वहां पे है, तो पांच वैलेंसी हो जाएगी, जिस वजह से ये वाला डबल बॉन्ड किधर को शिफ्ट होगा, इधर को शिफ्ट होगा, है ना। जब ये वाला डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, जब इधर गए, पाई इलेक्ट्रॉन समझते हैं आप कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इधर पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, वो जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन थे इस तरीके से इस पे यहाँ पर आ गए, है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से इस पे आ गए, ठीक है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है ना, ये आ गए, बाकी बॉन्ड ऐसे, बाकी दो दो बॉन्ड है वो ऐसे रहे, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ठीक है ना, ये हुआ। ठीक, अगला क्या होगा, अगला हमने देखा कि हमारे पास वापस से ये NH2 है, ये क्या है, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगले उसमें ये, क्योंकि अगले में देखो, अगले में क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड, अगले में क्या है, ये लोन पेयर है ना, ये क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर रेड वाले आप लोन पेयर देख रहे, उसके नीचे सिग्मा बॉन्ड और फिर पाए, लोन सिग्मा पाए, क्या होगा, वापस से रेजोनेंस होगा, लोन सिग्मा पाए वापस से रेजोनेंस होगा, ये वाले इधर उतरना चाहेंगे, जब इधर उतरना चाहेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, उस वजह से कार्बन की वापस से पांच वैलेंसी होने लगेगी, तो ये वाला डबल बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, है ना, ये वाला डबल बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, उस वजह से क्या होगा, जब इधर को शिफ्ट होगा तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है, और वो डबल बॉन्ड, वो जो लोन पेयर उतरे थे रेड वाले, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ गए, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में होकर यहाँ पे भी वो डबल बॉन्ड आ गया, तो अगला इस तरीके से हुआ। फिर वापस से आपने देखा ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और फिर पाए, लोन पेयर जहाँ पे आप रेड वाले देख रहे हैं उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, देन वापस से पाए बॉन्ड है, फिर से क्या होगा, आपका इस तरीके से ये घूमेगा, ठीक है ना, वापस से क्या होगा, इस तरीके से घूमेगा, ये वाले इस पे जाना चाहेंगे, ये वाले जो लोन पेयर है वो कहाँ जाना चाहेंगे, अगले वाले पे ऐसा डबल बॉन्ड जाना चाहेंगे, फिर ये अगला वाला डबल बॉन्ड क्योंकि पांच वैलेंसी के कारण ऊपर को उतरेगा यहाँ पर, फिर है ना, वापस से क्या होगा, ऊपर को उतरेगा, यहाँ पे क्या आने लगेगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके लोन पेयर इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड पहले से है ही, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस है, ठीक है ना, तो इस तरीके से फिर क्या होगा, फिर देखो आप लोन पेयर सिग्मा और पाई बॉन्ड, फिर वापस से क्या होगा, ये वाले यहाँ पे उतरना चाहेंगे और ये वापस अपने पास जाना चाहेगा, ठीक है ना, वापस से कहाँ जाएगा, वापस से वहां चले जाएगा, तो अगला जो होगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से आपके पास ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई आपके पास, इस तरीके से बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है ना,
तो अगले में क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस पर उतरना चाहेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पहले से है ही और यहाँ पे भी पहले से है, और ये वो ऊपर उतरेगा तो यहाँ पे वापस से NH2 और इसके ऊपर आपके लोन पेयर वापस आ गए। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। क्या बताया, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट क्या होता है कि इस इफेक्ट में, है ना, इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ठीक है अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आप समझते हैं। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, है ना, काफी सारे पाई इलेक्ट्रॉन से, इस तरीके से इसे आप कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये कहा जाता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कि आपका इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं किसी एटम और ग्रुप से, है ना, तो वापस से इस तरीके से रेजोनेंस इसमें हुआ, है ना। प्लस आर इफेक्ट कहते हैं इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं हम, ठीक है ना, प्लस एम इफेक्ट। तो ये आपके पास पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। जो दूसरा है आपके पास सेकेंड है नेगेटिव रेजोनेंस, ठीक है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो इफेक्ट है ये कब होता है, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, टूवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना, उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। अभी क्या होगा, पहले वाले में तो उस एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से दूर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, अभी क्या होंगे, उसके तरफ जाएंगे, क्या होंगे, अभी उसके तरफ जाते हैं उसको, ठीक है ना, उसके तरफ जाते हैं इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपके पास हम देखते हैं नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन क्या है कि ये बेंजीन रिंग है आपके पास, ये बेंजीन रिंग है और इसमें लगा है आपके पास NO2, क्या लगा है, बेंजीन रिंग में क्या लगा है आपके पास, NO2, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, है ना, NO2 लगा है और इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इस तरीके से, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये आपके पास इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब क्या होंगे कि उस एटम की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस एटम की तरफ जाएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे, इस पे जाना चाहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे जाना चाहेंगे, जब पाई इलेक्ट्रॉन इस पे जाना चाहेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी, तो इसलिए ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ओ पे जाते हैं, ठीक है ना। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देख पा रहे हैं, NO2 के तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो रहे हैं, NO2 के तरफ जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उस तरफ गए तो यहाँ पे कमी हुई, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, जब प्लस चार्ज आया इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया N, ठीक है ना, डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, ये तो क्या है, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है O के साथ, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास O और इस पे क्या आ जाएगा, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, इस तरीके से हमने क्या किया, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं अभी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या होगा अगले वाले, अच्छा इधर पे डबल बॉन्ड था, इधर पे डबल बॉन्ड था, इस प्लस को देखते हुए क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड है, सिग्मा देन प्लस,
ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को जाना चाहेगा, ठीक है ना, ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर को जाना चाहेगा। जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर को जाना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, इधर से क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्लस चार्ज, यहाँ से यहाँ पे तो पहले से ही क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड एन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आपके पास ओ ऐसा ही है, देन आपके पास इधर इसके पास इलेक्ट्रॉन और ये माइनस चार्ज, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया, आए बात समझ में। अब जब यहाँ पे प्लस चार्ज देख के ये वाला बॉन्ड इधर को उतरना चाह रहा है, जब ये इधर को उतरना चाह रहा है तो क्या हो जाएगा, फिर ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो पहले से यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड तो पहले से यहाँ पे है, जब ये बॉन्ड इधर उतरा तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई प्लस, ठीक है, इधर पे क्या है, डबल बॉन्ड एन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे माइनस, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना, फिर वापस से क्या होगा, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है ना, तो ये आपने देखा, फिर वापस से क्या होने लगेगा, ये प्लस जो उधर ऊपर को ऊपर की तरफ जाएगा उस पर कमी हो रही, तो ये वाला वापस से इस पर उतरेगा और देन वापस से जो बेंजीन रिंग है इस तरीके से ये बन जाएगी, है ना। तो ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, कि हमने देखा इस इफेक्ट में हुआ क्या, इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, In this effect, the transfer of electron is towards, ठीक है, is towards the atom or substituent group, towards the atom or substituent group, transfer of electron is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system. Attached to the conjugated, attached to the conjugated system, ठीक है, attached to the conjugated system. आई बस समझ में, in this effect the transfer of electron is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system. इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, किसको हम कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपने समझे कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, है ना। अब कौन कौन से एटम या ग्रुप है जो इस तरीके के इफेक्ट को शो करते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें प्लस आर इफेक्ट की, कि भाई प्लस आर इफेक्ट कौन कौन करता है शो, ठीक है ना, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कौन कौन शो करता है, उसमें आपके पास कौन कौन आ गए, हेलोजेंस आ गए, है ना, जो हेलोजेंस है वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना, आपके पास ओ एच आ गया, ठीक है ना, उसके आपके पास ओ आर आ गया, ठीक है ना, देन आपके पास ओ सी ओ आर आ गया, ठीक है, देन आपके पास एन एच टू आ गया, ठीक है, डैश डैश एन एच आर आ गया, ठीक है, डैश एन आर टू आ गया, और कॉमा, ठीक है ना, डैश एन एच सी ओ आर आ गया। इस तरीके के लोग क्या करते हैं, आपके प्लस आर इफेक्ट को शो करते हैं, प्लस इफेक्ट ये शो करते हैं। इसी तरीके से हम देखें माइनस आर इफेक्ट कि भाई माइनस आर इफेक्ट कौन शो करता है, माइनस आर, ठीक है ना, तो एक तो सी ओ ओ एच माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना, सी एच ओ करता है माइनस आर इफेक्ट को शो, ठीक है ना, आपका कार्बोक्सी करता है कीटोन्स, है ना, और आपका सी एन करता है नाइट्राइल, है ना, और आपका एनओ टू करता है नाइट्रो कंपाउंड, ये भी क्या करते हैं, माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना।
इस तरीके से समझ आएगा कि कौन कौन से ये इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड के प्रेजेंस होने से किसी ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम है ना, तो हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एक्चुअली हम बात कर रहे थे, बार बार ही बात कर रहे हैं हम प्लस आर में भी हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है ना। माइनस आर में भी हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या। एक्चुअल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या कि आपका जब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंस हो किसी चेन में या साइक्लिक सिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये वर्ड आप बार बार सुन रहे हैं कि भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड इन एन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम इन एन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड इन एन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम, इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये आपके ऑफन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, है ना, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि 1.3 ब्यूटाडाइन, है ना, 1.3 ब्यूटाडाइन ये, ठीक है ना। अब 1.3 ब्यूटाडाइन क्या हो गया, चार कार्बन है ना, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये 1.3 ब्यूटाडाइन है, CH2 है ना, यहाँ पे CH, इधर भी CH और CH2। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है ना, देख पा रहे हैं आप ऑल्टरनेट, पहले इधर डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इस तरीके से ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो करते हैं, ये कर सकता है। एनिलीन आपका शो करता है, एनिलीन है ना, आपको अभी एनिलीन हमने बताया, एनिलीन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 ग्रुप जुड़ा हो उसको आप एनिलीन बोलते हैं, अभी हमने प्लस आर इफेक्ट में देखा था। आप इसमें देखो है ना, और ये क्या है, आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर आपके ऊपर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजिशन पे क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हो करते हैं। नाइट्रोबेंजीन की हमने बात की थी अभी, माइनस आर इफेक्ट में हमने देखा नाइट्रोबेंजीन को, ठीक है। तो ये आपका NO2 हो गया है ना, यहाँ पे NO2 हमने इस तरीके से बनाया था, ये NO2 आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया, यहाँ पे भी ऑल्टरनेट पोजिशन पे सिंगल डबल बॉन्ड है ना, ये वाले हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो इन सारे सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब कि सपोज आप एक रूम के अंदर है ना, एक रूम के अंदर है, और उस रूम के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक परफ्यूम क्या करता हूँ, उसको स्प्रे करता हूँ। तो एक कोने पे अगर मैंने क्या करा, परफ्यूम को स्प्रे किया, तो एक कोने पे परफ्यूम स्प्रे कर गया, लेकिन आप देखेंगे कुछ देर बाद उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो हम कहेंगे कि भाई जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो डीलोकलाइज्ड होगी, उसकी एक लोकेशन हमको नहीं पता, वो पूरे कमरे में फैली है, तो डीलोकलाइज्ड है ना, मतलब लोकेशन लेस है, हर जगह वो पूरे रूम पे फैली। तो इसी तरीके से रिंग हो या साइक्लिक सिस्टम हो या कोई ओपन चेन हो, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, पूरे में फैल रहे, जैसे आपने देखा अभी पीछे प्लस आर इफेक्ट में देखा, आपने माइनस आर इफेक्ट में देखा था, प्लस आर में देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरे रिंग में आपके घूम रहे थे, आपने देखा कि पहले से स्टार्ट होके इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमे, इसी तरीके से प्लस आर में भी ऐसे घूम रहा था, है ना। तो ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो ऐसे सिस्टम में आपके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिस वजह से सिस्टम के अंदर क्या आती है, पोलैरिटी आती है, सिस्टम के अंदर क्या आती है, पोलैरिटी आती है, और उस वजह से इफेक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। आई बात समझ में आपको, ये होता क्या है रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, इस तरीके से हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में चीजें थी, ठीक है ना। चलिए,
कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के। तो ये जनरली क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, हमें यहाँ से इस तरीके से नॉलेज मिलती है कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट इस तरीके से हो सकता है ना। तो आपको बताया कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट को हम क्या किस तरीके से बता सकते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, एम की तरह भी हम उसको क्या करते हैं दर्शाते हैं उसको, हम उस तरीके से इफेक्ट भी इस तरीके से कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया है, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है इन कंपाउंड का, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी बताने है काउडेरा नोटेशन से। जैसे पहला आपको दे रखा है C6H5OH, है ना, C6H5OH दे रखा है। आपको पता है C6H5OH क्या होता है, फिनॉल होता है, और फिनॉल होता क्या है, C6H5 क्या है, ये है आपके पास ये आपके पास क्या है C6H5 है, ठीक है, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और होता क्या है CCH5OH ही होता है। फिनॉल बोलते हैं बेंजील रिंग के साथ जब OH ग्रुप लगा हो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना है इसका क्या होगा। आपने देखा कि OH, हमने पीछे पढ़ा एग्जांपल्स रेजोनेंस इफेक्ट के, हमने देखा कि OH आपका ये OH है प्लस आर इफेक्ट में आता है, यानी जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो अवे होगा फ्रॉम दी सब्सटेंस, फ्रॉम दी एटम और ग्रुप ऑफ एटम से दूर जाएगा, है ना, दूर जाएगा। अब आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या होंगे इधर उतरेंगे, ठीक है ना, जिस वजह से यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, तो ये जो आपका पाए इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे, जिस वजह से किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और ये आपका क्या जाएगा इधर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन उतरे ओ, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जब वो पाई इलेक्ट्रॉन उतरे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे माइनस चार्ज, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड इधर है एक डबल बॉन्ड इधर है। अब ये माइनस लोन पेयर सिग्मा पाए, तो ये लोन पेयर इधर उतरना चाहेंगे, तो इस वजह से जो आपके पास पाए बॉन्ड है वो इधर को शिफ्ट होगा, है ना। तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा, अगला स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा आपके पास डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा जिस वजह से यहाँ पे वो पाई इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है ना। अच्छा और ये यहाँ पे इस तरीके से, फिर वापस देखो लोन पेयर सिग्मा पाए, तो लोन पेयर वापस इस पे आना चाहेंगे, ये पाए बॉन्ड इधर आना चाहेगा, ठीक है। तो अगला क्या बन जाएगा आपके पास ठीक है, ये हो जाएगा ठीक है डबल बॉन्ड ओ, ठीक। अच्छा ये वाला बॉन्ड तो इधर है, ये लोन पे इतना तो यहाँ पे बॉन्ड आया और यहाँ पे क्या आ गया ये लोन इधर होते माइनस चार्ज। अब ये लोन पे सिग्मा पाए बॉन्ड ये कहाँ आना चाहेंगे, इस पे आना चाहेंगे और ये वापस से ऑक्सीजन के पास जाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है ये इधर ओ एच, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, वो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा ये ओ एच, उसके अपने इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएंगे, है ना। ये आपके पास क्या था रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉल का। तो इस तरीके से आप किसी का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कैसे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट हो रहा है कि माइनस आर इफेक्ट हो रहा है,
किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, तो वो आपको इफेक्ट को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप उस इफेक्ट को बता सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाई फिनॉल में OH होता है, OH एक प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस एटम से दूर की तरफ होगा। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हमने आज जानकारी ली। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट, हमने देखा रेजोनेंस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, दो तरीके से, जब किसी भी एटम और ग्रुप से दूर की तरफ हो, उससे दूर जाए प्लस आर इफेक्ट, और जब उसकी तरफ जाए तो माइनस आर इफेक्ट, है ना। इस तरीके से हमने रेजोनेंस इफेक्ट को देखते हैं, और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए कि भाई किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। बस आपको पहचानना है कि वो जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप कैसा है, ठीक है ना, वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है या माइनस आर इफेक्ट शो करता है, उसके लिए आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उन इफेक्ट के बारे में, है ना। कई एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।